हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाइबीज पेट्स। आज आप ये देख सकते हो कि ये डॉबरमैन के बेबीज अपने घर पे हो चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे इनकी जो टेल रहती है उसको कैसे कट कर सकते हैं और कब टेल कट करवाना पड़ता है। आज ये हम ये वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो फिर जब ये बेबीज 8 से 10 दिन के हो चुके रहते तब हमें टेल कट करवा सकते हैं या फिर उससे जल्दी भी करवा सकते हैं। बहुत इजी है टेल कट करवाना। जस्ट हमें रबर बैंड से लगेंगे और एक सीज़र लगेगा टेल कट करवाने के लिए। सो बताता हूँ आपको टेल कैसे कट करवाना है, तो चलो देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमें रबर बैंड लेना है और उसको बीच में से कट करवाना है। हमारे पास 4 बेबीज हुए थे जिसके लिए हमने 4 रबर बैंड लिए। एक आधा रबर बैंड आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। और ये देख सकते हो कि हमने बीच में से रबर बैंड कैसे कट किए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड स्टेप यही है कि हमें पपी ले लेना है और उसके टेल्स को बराबर मेजर करके नियर अबाउट 1 इंच छोड़ के हमें टेल बन कट करवाना है। हाँ, हम ये स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते लेकिन नियर अबाउट 1 इंच का मेजरमेंट लेके हम टाई कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हमारा जो उंगली का फर्स्ट टिप जो होता है उसके उसका हिसाब से हम मेजर करके रबर बैंड टाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि हम ये रबर बैंड टाई कर रहे हैं और लास्ट में सिर्फ एक नॉट लगवा देना है। तो देख सकते हो मैंने ये टाई कर लिया और लास्ट में एक नॉट बांध रहा हूँ। थोड़ा सा पेन होता है पपी को लेकिन ठीक है, ये तो करवाना है। ट्रेल ट्रिम करवाना है कि सबसे जो इजी मेथड है वो तो यही है। इसके लिए हम इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी बांध देंगे और फीमेल के पास मिल्क फीडिंग के लिए छोड़ देंगे। मैं ये पपी में भी वही डिस्टेंस ले रहा हूँ। फिंगर का जो फर्स्ट टिप होता है उसका 1 इंच के अराउंड रहता है, वो उसका इतना ही डिस्टेंस लेके रबर बैंड टाई कर देना है। मैंने ये पपी में बांधना चालू किया है। जितना आप रबर को स्ट्रेस करके बांध सकते हो वो उतना हमें रबर को स्ट्रेस करके बांधना है। और एक बार बांधने के बाद 8 दिन छोड़ देना है। 8 दिन छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक ट्रेल ट्रिम हो जाएगी। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई मक्खी वगैरह ना बैठे क्योंकि उसके वजह से उसमें ये वुंड में मैगेट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे ही टेल ट्रिम करता है। और ये देख सकते हो कि मैंने ये लास्ट नॉट भी बांध दिया और ये सब पपीज को हम फीडिंग के लिए छोड़ देंगे। और ये देख सकते हो ऐसे ये सब पपीज को हमने नॉट बांध दिया और नॉट बांध के भी 4 दिन हो चुके हैं और ये बाद में ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। आपको उसका भी वीडियो में बताऊँगा। हमें रबर बैंड बांध के 8 दिन हो चुके हैं और ये देख सकते हो कि पपीज़ के जो टेल थे वो कट हो चुके हैं और जो जख्म थी वो हील होना ऑटोमेटिक चालू हो चुकी है। तो जितना जल्दी आप रबर बैंड लगा सकते हो उतना जल्दी रबर बैंड लगाओ। कम से कम बेबी 4 दिन के तो होने चाहिए, 4 दिन के होने बाद ही रबर बैंड लगाओ। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।